हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल्कि अवतार से मिलने के लिए आज हर कोई आतुर है, बेचैन है। लेकिन आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी कि कल्कि भगवान के साथ हम मनुष्यों का रिलेशन कैसा है, यानी कल्कि भगवान हम मनुष्यों को किस रूप में जानते हैं, कैसे हमारा परिचय कल्कि भगवान के साथ है, कैसा रिश्ता हम लोगों ने जोड़ा है कल्कि भगवान के साथ, या यूं कह लीजिए कि कल्कि भगवान किस रूप में हम लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। आप कहेंगे नाम के द्वारा, जी नहीं, नाम सिर्फ इस शरीर का है, जिस शरीर को हम लोगों ने इस कलयुग में आने के पहले यानी जन्म लेने से पहले धारण किया या करवाया गया, यानी कल्कि अवतार ने, भगवान ने, ईश्वर ने जब हम लोगों को धरती पर भेजा तो हर मनुष्य को एक शरीर का आवरण देकर इस पृथ्वी पर भेजा है, वही हमारी पहचान है। लेकिन असली पहचान इस शरीर के अंदर है, जो असली पहचान कल्कि अवतार के पास में है, यानी उसी पहचान के द्वारा कल्कि अवतार हमें आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। अब मैं इस बात का खुलासा करती हूँ कि किस तरह से कल्कि अवतार हमें जानते हैं, पहचानते हैं। युगों युगों से जब जब एक आत्मा ने शरीर का दुख धारण किया तो शरीर तो बदलता चला गया, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वही उस शरीर की असली पहचान है। यानी शरीर पर इस पंच तत्व का जो प्रकृति में है, यानी धरती है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, जल है, इनका हमारे शरीर पर असर पड़ता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो आत्मा आज आपसे बात कर रही है, वास्तव में उसी आत्मा की पहचान कल्कि अवतार के पास में है। हमारे कुछ कर्म जो अधूरे रह जाते हैं, जिसके कारण आत्मा को ये शरीर छोड़ना पड़ता है और फिर अगला जन्म आत्मा को दिया जाता है उन कर्मों को पूर्ण करने के लिए। इसी आत्मा के द्वारा कल्कि भगवान से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, यानी शारीरिक रूप से हम उनकी आराधना तो कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, अपने कर्मों को भी कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो अविनाशी है, अजन्मी है, और जिस पर किसी प्रकार की अग्नि का असर नहीं होता है, यानी आत्मा न जल सकती है, न उसे पानी भिगो सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है, यानी पांच तत्वों का, फाइव एलिमेंट्स का असर आत्मा पर नहीं पड़ता है। और ये अविनाशी अमर आत्मा जो एक बार इस धरती पर आई और बार बार नए शरीर लेकर इस धरती पर आती है, इसी आत्मा की पहचान कल्कि अवतार के पास में है। यानी हम सबको, जितने भी मनुष्य गण इस धरती पर हैं, सबके पास एक आत्मा है और उस आत्मा के द्वारा ही कल्कि भगवान उसे पहचानते हैं, यानी आपके नाम के द्वारा, आपके शरीर के आकार के द्वारा जो घटता बढ़ता रहता है, जो खत्म हो जाने वाला है, आपके नाम के द्वारा कि आप कितने मशहूर शख्स हैं, कितनी मशहूर पर्सनैलिटी है, कितने फेमस है, उसके द्वारा कल्कि भगवान का कोई लेन देन नहीं है। आपका रिश्ता कल्कि भगवान से यदि जुड़ता है तो वो सिर्फ आत्मा के द्वारा ही आप जुड़ते हैं। यदि आप अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं पानी से, गर्म पानी से, बहुत तरह के कॉस्मेटिक्स यूज करके, साबुन यूज करके, तो कोशिश कीजिए कि उस आत्मा को भी म्लेच्छ होने से या गंदा होने से आप बचा सकें, क्योंकि यही आत्मा भगवान से जुड़ती है। जिसने भी इस सच्चाई को जान लिया कि वो वास्तव में एक आत्मा है, जो जिसकी पहचान ईश्वर के पास में है, समझिए उसे ही आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। और जिसे अपने सिर्फ नाम की परवाह है, अपने शरीर की परवाह है, जिसके अंदर मैं घुसा हुआ है, वो कभी भी कल्कि भगवान को भी नहीं जान पाएगा। तो कल्कि भगवान से हमारा रिश्ता एक आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है, ना कि इस शरीर का या हमारे नाम का। नाम तो अलग 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 होती है, क्योंकि हर जन्म में इस आत्मा को नया आवरण धारण करना पड़ता है, नए शरीर में अपने पिछले जन्म के अधूरे कर्म को करना पड़ता है, करने के लिए नए
तरीके से भगवान इस पृथ्वी पर फिर से एक बार भेज देते हैं। कहते हैं एक आत्मा को 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है, और जिस आत्मा को जन्म और मरण के चक्रव्यूह से भगवान ऊपर उठा लेते हैं उसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी वो आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाती है, फिर उसे बार बार शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। तो हमारी पहचान कल्कि अवतार के पास जो संग्रहित है, जो उनके पास स्टोरेज है, उनके पास लिस्ट में है, वो एक आत्मा के रूप में है, ना कि हमारे नाम से कल्कि भगवान ने लिस्ट बना रखी है। तो इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, वो हर आत्मा आत्मा के नाम से उनका एक उनकी एक पर्टिकुलर पहचान है। उस आत्मा को उसी नाम से भगवान अपने यहाँ सजो कर रखे हुए हैं, और टाइम टू टाइम उसी आत्मा को उनके कर्मों के हिसाब से शारीरिक धारण करवा के इस पृथ्वी पर भेज देते हैं। यही है असली पहचान हमारी। और कल्कि भगवान से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, आपको भी इसी आत्मा के द्वारा ही जुड़ना पड़ेगा, यानी आपको समझना पड़ेगा कि आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका रिकॉग्निशन, जो ये नाम है वो सिर्फ इस दुनिया वालों के लिए है, इस धरती पर आपका नाम रोशन करने के लिए है या लोगों तक पहुंचने के लिए है। ये शरीर आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कल्कि भगवान से वास्तविक रूप से आप जुड़ना चाहते हैं तो अपनी आत्मा को, अपने आत्मज्ञान को आप जागृत कीजिए और आत्मभक्ति के द्वारा ही कल्कि भगवान से जुड़िए, जो कि आपकी असली पहचान है, यानी आत्मा और परमात्मा की। आपको एक सोल के रूप में, प्योर सोल के रूप में ही कल्कि अवतार जानते हैं और देखना चाहते हैं कि वास्तव में आपकी जिस आत्मा को शारीरिक धारण करके भगवान ने इस धरती पर भेजा है, वो आत्मा क्या पवित्र एंड तक रह गई, और उस आत्मा ने कौन से अच्छे कर्म किए और बुरे कर्म किए जिसके अनुसार हमें एक नया शरीर मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।